सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के पांचवें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट थ्री। पार्ट वन और टू हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, 120 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे और यहाँ पर आज पूरे के पूरे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके पवन सीरीज के सारे यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। राजन सीरीज के सारे प्रश्न, पवन सीरीज के सारे विषयों के प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। सारे बहुविकल्पी, सारे अलग उत्तरीय दोनों ही सीरीज के अच्छे से आप पढ़ के जाइए अगर आप एग्जाम में चाहते हैं अच्छे से अच्छा नंबर लाना। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी क्या कहलाता है? ये प्रश्न आपने अलग उत्तरी प्रश्नों में भी पढ़ा है, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेयर, तो ये कहलाते हैं मेयर या महापौर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था दोस्तों कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर स जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय आपको पता ही होगा कि कुशीनगर में बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, बहुत सारे लोग टहलने आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, संसार का पहला पालतू पशु कौन था? घोड़ा, कुत्ता, गाय या बकरी? तो राइट आंसर है कुत्ता। 2017 की एग्जाम में आप देखिए जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सबके सब पूछे हुए थे, यहाँ पर भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। तो जब आप सीरीज पढ़ते हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी एक तरीके से पढ़ लेते हो। क्वेश्चन नंबर 125 है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार, खेती करना कब से मानव ने शुरू किया था? तो ये सब किया था नवपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर स जो है ये सही जगह। पूरा पाषाण काल में क्या किया था? इसमें आग की खोज की थी। तो याद रखिएगा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था? नील नदी की घाटी, सिंधु नदी की घाटी, यांगटी सिक्यांग नदी की घाटी या दजला फरात नदी की घाटी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था दजला और फरात नामक नदी घाटी में, दोनों नदियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 127 है, पिरामिड किस देश में है? यूनान, रोम, मिस्र या फिर सऊदी अरब? तो राइट आंसर है मिस्र में है। आपको पता है बड़े बड़े पिरामिड जिसमें जो वहां के राजा महाराजा होते थे उनके शवों को रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 128 है, जैन धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी, ऋषभ या फिर पार्श्वनाथ? तो जो ऋषभ देव थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थांकर थे और जैन धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। और जो महावीर स्वामी थे ये क्या थे? 24वें तीर्थांकर थे। और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार महावीर स्वामी के द्वारा ही जैन धर्म का किया गया। 2017 में देखिए सब प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है सांप्रदायिकता सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकट बुध, शुक्र, पृथ्वी इस तरीके से है, तो पृथ्वी के निकट है शुक्र ग्रह। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में ही सारे प्रश्न पूछे हुए हैं आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? उत्तर पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या ताम्र पाषाण युग में? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कांस्य युग में। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या ईश्वर की स्तुति? तो राइट आंसर है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? केरल, गोवा, गुजरात या तमिलनाडु? तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं, कैनियन या दर्रा का निर्माण होता है नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा या समुद्री लहरों के द्वारा? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नदी द्वारा। 2017 में ही अभी जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं यहाँ पर आप देख रहे हो सबको, यहाँ पर भी सब 17 में ही पूछे हुए प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 136 है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं? सम ताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? तो जो क्षोभ मंडल है सबसे निचला स्तर होता है, आंधी तूफान ओले पड़ते हैं जो भी आप देखते हो, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एकात्मक, दो दलीय, बहुदलीय, आप उसमें से कोई? तो हमारे देश में बहुत सारे दल हैं, अलग अलग बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको पता ही है, और सभी चुनाव लड़ती हैं अलग अलग, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आप देखिए तो बहुत सारे दल हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, शहर या फिर जिला? तो राइट आंसर दोस्तों है ग्राम स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 139 है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर रैपसन? तो ये कथन है रैपसन का, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 140 पर आते हैं, पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ या स्थायी जीवन की शुरुआत? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहिए का आविष्कार और कृषि यानी कि खेती का प्रारंभ मानव ने नवपाषाण काल में शुरू किया था, और जब जब इंसान खेती करने लगा तो एक अस्थाई जीवन भी जीने लगा था, तो ये सब नवपाषाण काल में हुए थे। केवल पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? आग की खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 से पहिए का आविष्कार हुआ था। देखिए फिर वही क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइए। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पर आते हैं, महापाषाण से तात्पर्य है धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से या समाधियों से? तो महापाषाण मतलब क्या होगा? पत्थर, और पत्थर किसमें होते हैं? पर्वत में ही तो होते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान, उपकरण, समाधियों से नहीं मतलब है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत, पर्वत श्रृंखला से। क्वेश्चन नंबर 143 से, साम का अर्थ है यज्ञ, मंत्र, स्तुति या गान? तो गान यानी कि गाना, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, वेदांग कितने हैं? 7, 6, 5 या 3? तो राइट आंसर है 6 है, और वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 145 है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था कुलप, ग्रामिक, ग्रामणी या विष्पति? तो ग्रामणी कहलाता था, ऑप्शन श यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 पर, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, और यहाँ पर भी जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सब 2018 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग होता है या प्रयोग हुआ है? सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में या फिर लोहे के अर्थ में? किस धातु के अर्थ में हुआ है अयस शब्द का प्रयोग? तो राइट आंसर है तांबे के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 149 है, सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो आप सभी को पता है कि सौर मंडल में सूर्य ही मुखिया है, और उसी के चारों ओर सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि स्कूल होता है उसमें जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी पोस्ट सबसे बड़ी होती है, और फिर सारे के सारे टीचर्स क्या करते हैं? उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो राइट आंसर क्या है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 151 है, नासा की स्थापना कब हुई थी? आप देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, नासा की स्थापना हुई थी 1958 में दोस्तों, 1958 यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा, 29 जुलाई 1958, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो मेनली लगभग सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का ही होता है।
जितनी भी सरकारें चुन करके आती हैं वो भी 5 वर्ष के लिए ही होती हैं। 2018 में ही पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं, नगर निगम का सर्वोच्च पदाधिकारी कहलाता है सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर मेयर। तो नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है मेयर। ये क्वेश्चन भी अभी आपने देखा है, ये भी रिपीट हुआ है, मेयर या महापौर अभी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 154 है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद या फिर भूवैज्ञानिक। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 155 है, वेदों की संख्या कितनी है। अभी मैंने आपको बताया है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं, देखिए 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं सब यहाँ पर आप देख रहे हो। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, तो अभी आपने इस प्रश्न को भी देखा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म किन दो नदियों के बीच में हुआ था, तो दजला और फरात नदियों के किनारे, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कालीबंगा स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में। तो राइट आंसर है राजस्थान में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी या चीनी। तो राइट आंसर है चीनी, यानी कि चीन के लोग। मुद्रण यानी कि छपाई, जिसे प्रिंटिंग आप जानते हो, अब आज के समय में लोग प्रिंटिंग ही बोलते हैं, तो बस वही चीज है। आविष्कार किसने किया था, चाइना वालों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 159 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ये प्रश्न भी आपने देखा है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, पहले तीर्थांकर, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में, अशोक के, अजात शत्रु के, कालाशोक के या कनिष्क के। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स, कालाशोक के शासनकाल में, पहला हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 161 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन द यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 पर, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 पर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मानचित्र के कितने घटक हैं, तो दिशा, दूरी और प्रतीक, यही 3 घटक होते हैं और ये पूछा हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता, पूरी तरीके से गलत है। मानचित्र में सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, उत्तर की दिशा, नीचे होता है साउथ, दाहिने होता है ईस्ट और बाएं होता है वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये गलत है और यही पूछा भी है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर गलत है। बाकी दिक सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही, जो कंपास सुई होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, तो इसीलिए इसको दिशा को जानने के लिए लोग इसका प्रयोग करते थे पहले के टाइम में। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 165 है, नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा है। 2019 में देखिए सब पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 166 है, आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार या पुरातत्वविद। तो आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 167 है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल या अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 168 पे आते हैं, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2, 3, 4 या 5 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, 5 वर्ष। 2019 में आए हुए प्रश्न अब खत्म होते हैं, अब यहाँ पर 2021 में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 169 है, हड़प्पा सभ्यता का धौलर नोरा पुरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 171 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक को लिखा है मेगस्थनीज ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। तो मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी इंडिया में भारत भ्रमण के दौरान? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 172 है, मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया था? आप देखिए वही पहिए का आविष्कार बार बार आ रहा है, तो कब किया था? नवपाषाण काल में किया था। क्वेश्चन नंबर 173 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये प्रश्न भी कम से कम तीन बार आप देख चुके हो, 326 ईसा पूर्व में। आप देखिए लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही प्रश्न सेम टू सेम बार बार। क्वेश्चन नंबर 174 है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो तीन स्तर पर कार्य करती है, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला पंचायत। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, पंचायत व्यवस्था इन्हीं तीन स्तरों पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 176 पे आते, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? ये प्रश्न पहले भी आप लोग देख चुके हो, अगर आपने पढ़ लिया मेरे साथ जितना भी मैंने पूरा पढ़ाया है। वायुमंडल की किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं? अभी आपने ये प्रश्न देखा है कि आंधी, तूफान, ओले, ये सब कौन से वायुमंडल के किस स्तर में घटते हैं? क्षोभ मंडल में घटते हैं। देखिए सबसे अधिक मौसमी घटनाएं आंधी, तूफान, ये सब जो आता है ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या है? तो पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर गति करती है तो ये होता है परिक्रमण या परिक्रमा, ठीक है? परिभ्रमण नहीं होगा, परिभ्रमण तब होगा जब पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर घूमेगी, तो और बात दोनों सही नहीं होगा, क्या होगा? परिक्रमण केवल सही होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यहां पर क्या दे दिया है आपके आपके इस सीरीज में? ऑप्शन आ सही दिया, जबकि परिभ्रमण का मतलब होता है, जैसे लट्टू आपने नाचते हुए देखा, लट्टू अपनी धुरी पर ही नाचता है, वैसे पृथ्वी भी अपनी धुरी पर नाचेगी, जब अपनी धुरी पर नाचेगी तो वो होगा परिभ्रमण, और जब चारों ओर चक्कर, जैसे हम किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में परिक्रमा होती है आप सभी को पता है, तो हम मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर घूमते हैं ना, तो यही तो परिक्रमा होती है। तो ऐसे ही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो ये क्या होगा? परिक्रमा ही तो होगा, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं, महाजनपदों की संख्या थी तो कितनी थी? 16 थी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो मैंने बार बार आपको बताया है कि ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखा हुआ है, 2021 में ही ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, ये सब हम कहते हैं शुक्र ग्रह को, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? राजतरंगिणी, जातक कथाएं, महाभारत या फिर रामायण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 182 है, ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? तो ग्राम प्रधान होते हैं ग्राम पंचायत में, तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर स, 5 वर्ष के लिए। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रश्न आपने बहुविकल्पीय खत्म कर लिए, लघु उत्तरियों को, अति लघु उत्तरी मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको सारे के सारे विषयों के वीडियोज की लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो सारे के सारे क्लासेस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। अगर क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रजत सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी किताबें, इसके अलावा पूरे के पूरे सारे के सारे विषयों के आपको क्लासेस सब आपको मिल जाएंगी हमारे ऐप में। ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता, तो बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए।
यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है कोर्स को परचेज करने में या किसी प्रकार की, तो आप कॉन्टेक्ट करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके सारे के सारे विषयों को अच्छे से मैं पढ़ा दे रही हूँ, तो आप देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। चाहे